श्रीमन्नारायण नारायण नारायण 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 श्रीमन। अभी तक जितने गेस्ट आपने देखा होगा उसमें से सबसे स्पेशल, सबसे अलग, तो अपने ही परिवार से एक गुरु आपको मिले हैं, ये हम लोग का सौभाग्य है। और हम लोग स्वागत करते हैं महंत श्री डॉक्टर दिनेश जी महाराज, जो हमारे ही इस नवोदय के एक फूल हैं, नवोदय के ही बागीचे के एक फूल हैं, जो सेम मेरे बैच के। नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण जय श्री राम। जय श्री राम। फिर कहोगे कि जी नवोदय ने हमें कुछ नहीं दिया। नवोदय जब दे रहा है तो तुम ले नहीं रहे। मैंने जो कुछ भी अर्जित किया, क्या तुम भी यहां सकते हो? मैं भी यहीं बैठता था, मैं भी यहीं बैठता था। कोई माँ के पेट से आके सीधा यहाँ नहीं बैठा, यहीं बैठता था मैं तुम्हारे बीच में। बड़े बड़े MP MLA जज आरती उतार रहे हैं, तो क्या किया मैंने बच्चों? वही तो मैं बता रहा हूँ मैंने क्या किया। पर आपके माता पिता, आपके गुरुजन जिस विद्यालय में पढ़े हो वो धन्य है। परमात्मा उनका भला करे, उनके ऊपर भगवान की कृपा हो कि तुम जैसे संस्कारी विद्यार्थी विद्यालय से निकले। तो कृपा करके अपने चरित्र का निर्माण कीजिए। सरकार कुछ नहीं, सरकार तुम ही हो। कल तुम ही कोई MP बनेगा, कोई MLA बनेगा। सरकार कहाँ से लाएगी? ये बिजली, ये जो पंखे चल रहे हैं, तुम ये शीशे तोड़ के चले जाओगे, तुम्हारे ही बहन भाई आएंगे यहाँ विद्यालय में पढ़ने, उनको दिक्कत होगी। याद रखना ये बात, तुम्हारे अपने ही बहन भाई आएंगे, उन्हीं को परेशानी होगी। और वो खून, क्या कहते हैं, नदियाँ भी यहाँ दूध पिला सकती हैं, जल स्पर्श से मुर्दों को जिला सकती हैं। यह वह देश है जहाँ माताएँ भी भगवान को अपनी गोदी में खिला सकती हैं। आप में सब ताकत है, आप में हर प्रकार की ताकत है। ना गंगा पर, ना यमुना पर, ना रावी के कगारों पर ये फूल चढ़ेगा तो सिर्फ शहीदों की मज़ारों पर। ये मातृभूमि को बनाने में कुर्बानियाँ दी हैं। भगत सिंह फांसी पर झूले हैं, रानी लक्ष्मीबाई किले से निकली हैं। आप समझो ये देश ऐसे नहीं बना। नवोदय, नवोदय क्या है? नवोदय, नवोदय तो ये है क्या? खिड़कियाँ तोड़ना नवोदय क्या? यूँ बेइज्जतियाँ करवाओगे अपने अध्यापकों की? बताओ ना, आप सोचो ना, आप विचार करो ना, आप किस दिशा में जा रहे हो? गुंडे बनने आए हो क्या? यहाँ गुंडे बनने आए हो? मैं अधिकारी बन गया, तुम क्यों नहीं बन रहे? जो तुमने खाया वो मैंने खाया, जहाँ तुम बैठे हो वही मैं बैठा हूँ। यही नवोदय का गीत हमने गाया, हमने भी पीने यार की नहीं बार की। बताओ, सोचो ना, जिस हॉस्टल में, जिस ग्राउंड में तुम खेल कूद रहे हो वही हम खेले कूदे हैं। तो मैं अधिकारी कैसे बना? क्योंकि मैं संस्कारी था। एक तो गुरु को तो मानना ही पड़ता है, गुरु से ज़्यादा गुरु की बात को और किताब को मानना पड़ता है। जो आपके पथ प्रदर्शक हैं, जो आपका वो रास्ता बता रहे हैं, उनके प्रति अंदर से भावना से समर्पित हो जाओ। ऐसा मेरा मत है, ऐसा मेरा मानना है। एक बार कम पढ़ लो, समझ में आता जी, दिमाग नहीं चलता। अरे शरारत तो तुम्हारे हाथ में है, शरारत तो तुम्हारे हाथ में है। दीवार ही कूदनी है तो अपने घर भागो ना। बोल दो घर वालों को हम नहीं जाते। कम से कम उन बच्चों को तो तंग मत करो जो पढ़ना चाहते हैं, जो कुछ बनना चाहते हैं, जो अपने जीवन को अच्छी दिशा में लेकर के जा रहे हैं। अब तो कहाँ लड़के लड़कियों में भेद है। महिलाएं हेलीकॉप्टर उड़ा रही हैं, चांद पर जा रही, स्पेस में जा चुकी। अब तो जमाना बदल गया, समय बदल गया। तो एक तो छोटी छोटी बातें क्या है, देश हमारा, भूमि हमारी, हम देश के उत्तम नागरिक बने। हमारा प्रथम धर्म क्या बनता है? हम अच्छे नागरिक होने का दायित्व निभाएं। पहुँचोगे, कोई डॉक्टर बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा, कोई कुछ बनेगा। और मैं भी चाहूँगा कि मेरी टीम बढ़ जाए, कोई इंजीनियर हो, कोई डॉक्टर हो, कोई कुछ हो, कोई कुछ। आप प्रोफेसर हैं, आप सेंट्रल गवर्नमेंट में। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में वर्णित किया है, हम सभी को अच्छे कर्म करेंगे तो अच्छा फल मिलेगा। मेरे गुरु जी कहते थे कि अगर आपने आम का पेड़ लगाया है तो बाद में उससे आम का ही फल मिलेगा। तो महाराज जी ने हम सभी को जो अपना अमूल्य समय दे करके इस आप सभी का मार्गदर्शन किया और आप सभी के अंदर एक ऊर्जा का प्रवाह हुआ, इसके लिए हम दोबारा आप सभी समस्त टीम का आभारी हैं। और ऐसे ही आप समय समय पर आकर के हम सभी का मार्गदर्शन करें। आप सभी का एक बार दोबारा बहुत बहुत आभार।